Hello everyone, welcome back. In our last video of this lesson, that is Tiger Hills, we have already seen that कि किस तरीके से जो हमारे इंडियन सोल्जर्स है वो बहुत ही मतलब जो बैड वेदर होता है जहाँ पर पूरा ब्लर होता है, इस ऐसे में भी कैसे इस हार्ट कंडीशन में भी कैसे वो किस तरीके से टाइगर हिल्स के बाजू में जितने भी एरियाज होते हैं वहाँ पर वो कैप्चर करते हैं, एक्चुअली उसको रिकैप्चर करते हैं बिकॉज वहाँ पर एनिमीज ऑलरेडी रहते हैं। और टाइगर हिल एरिया ऐसा था या फिर ऐसा है जहाँ पर कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता था कि यहाँ पर कोई इस एरिया को कैप्चर करेगा, बट द एनिमीज डिड दैट थिंग एंड इट वॉज द बिग टास्क इन फ्रंट ऑफ द इंडियन सोल्जर्स हाउ टू एविक्ट द एनिमीज फ्रॉम दैट प्लेस फ्रॉम द टाइगर हिल। अब जो टाइगर हिल के बाजू का जो एरिया है वहाँ से धीरे धीरे एक एक करके यहाँ से हर एक जो लीडर थे जो अपने टीम को हैंडल करते थे, जैसे किसी कंपनी का जैसे टीम का नाम कभी ए कंपनी डी कंपनी था, तो वहाँ के जो लीडर थे वो उसको लीड करते थे। और उन्होंने पहले ही डिसाइड किया था कि मल्टी डायरेक्शनल वे में जाकर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एनिमीज के ऊपर अटैक करेंगे। अब मल्टी डायरेक्शनल वे इन द सेंस कि अलग अलग दिशा में जाकर अलग अलग रास्तों से जाकर एक साथ क्या करने वाले थे, वो एनिमीज के ऊपर अटैक करने थे एंड दे डिड इट। और उन्होंने वो सारी चीज़ें की। अब हुआ ऐसे कि एनिमीज वर अननोन ऑफ दिस फैक्ट, एनिमीज को पता ही नहीं था कि या फिर दे वर नॉट अवेयर कि उन्होंने कभी एनिमीज ने कभी ये सोचा भी नहीं था कि इस डायरेक्शन से या फिर इस रास्ते से कभी हमारे ऊपर क्या हो सकता है, अटैक हो सकता है। और जब अलग अलग टीम ने जो हमारी इंडिया की टीम थी, इंडियन सोल्जर्स की टीम थी जिसको लीड कर रहे थे कमांडर्स एंड लेफ्टिनेंट वगैरह, उन्होंने अलग अलग टीम को अलग अलग रास्ते से भेजकर एनिमीज के ऊपर अटैक किया और एनिमीज ने शायद से सोचा नहीं था, इसे देवर अनअवेयर। तो वहाँ पर कुछ ऐसे प्लेसेस थे जो जगह थी जो टॉप थे माउंटेन्स थे, वहाँ पर जो एरिया तो जो एक्सटेंडेड एरिया था वहाँ पर हम लोगों ने विक्ट्री हासिल कर ली थी। अब सबसे बड़ा ये था कि जहाँ से एक्चुअली अब एनिमीज को पता चल गया था कि क्या हो रहा है, हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, एनिमीज हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, सॉरी इंडियन सोल्जर्स हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, ऐसे एनिमीज को पता चल गया था, तो एनिमीज ने भी काउंटर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। अब हमारे सामने सबसे बड़ा टारगेट था ये कि जहाँ से एनिमीज को सारी चीज़ें प्रोवाइड हो रही थी उस रास्ते को कट करना, वहाँ से उस जो रूट थे उसको कट ऑफ करना। तो वो भी हमारे इंडियन सोल्जर्स ने बहुत ही ब्रेवली किया कि ताकि इनको जो एनिमीज है इनको जहाँ से सप्लाई हो रहा है सारी चीज़ें या फिर जहाँ से ये लोग आ रहे हैं या फिर जहाँ से इनको बाकी जो री एनफोर्समेंट है उनको जहाँ से वो मिल रहा है हासिल हो रहा है उस रूट को वो उनको कट करना ज़रूरी था एंड दे डिड इट। अब हमने देखा कि यहाँ से कि वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ बैटल इज टू मेंटेन होल्ड। अब हमने ये भी देखा था कि अब देखो हमारे इंडियन सोल्जर्स ने बाकी की जो जगह थी उसको रिकैप्चर किया था, वहाँ से एनिमीज को एविट किया था, वहाँ से एनिमीज को निकाला था, मतलब वहाँ पर एनिमीज मतलब डेथ भी हुई थी, उनकी कैजुअलिटीज हुई थी, कैजुअलिटीज का मतलब होता है डेथ होना। अब देखो हुआ ऐसे कि अब हमको दूसरी जगह पर रिकैप्चर करना था जहाँ पर एनिमीज थे। अब जहाँ पर हमने विक्ट्री हासिल की है जिन जगह के ऊपर, उस जगह को वैसे ही विक्ट्री में रहना या फिर उस जगह को वैसे ही सेफ रखना हमारे लिए बहुत बड़ा टारगेट था। बिकॉज होता क्या था कि अगर एक जो जगह है अगर वहाँ पर या फिर दो तीन जगह जहाँ पर हमारे इंडियन सोल्जर्स ने उसको रिकैप्चर किया, वहाँ से एनिमीज को खदेड़ा है, अब वहाँ से हमारे सोल्जर्स क्या करते दूसरी जगह जाते थे जहाँ पर कौन है एनिमीज है, तो कहीं ना कहीं ये चांसेस थे पॉसिबिलिटीज थी कि जिस जगह को हमारे इंडियन सोल्जर्स ने विक्ट्री हासिल की है जहाँ से हमारे इंडियन सोल्जर्स ने एनिमीज को वहाँ से एविट किया, एनिमीज को वहाँ से खदेड़ा है, हो सकता था कि फिर से एनिमीज वहाँ पर आ जाए फिर से इस जगह को रिकैप्चर करे। तो हमारे लिए सबसे बड़ा टारगेट था कि हमने जो जगह हासिल की है, हमने जिस जगह से एनिमीज को एविट किया है उस जगह को वैसे ही सेफ रखना। अब हुआ ऐसे कि हमारे जो सोल्जर्स थे उन्होंने डेडली वेपन्स यूज़ किए थे, कैजुअलिटीज दोनों साइड में हुई थी, मतलब हमारे इंडियन सोल्जर्स की भी डेथ हुई थी और वहाँ पर जो एनिमीज थी वहाँ की भी डेथ हुई थी, लेकिन फिर भी जो हमारे ग्रेनेडियर्स थे उन्होंने बहुत ही डेंजरसली किया, बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में भी क्या किया, उन्होंने करे जो डिटर्मिनेशन का, तो उन्होंने वो सारी चीज़ें की। नाउ वी विल सी फ्रॉम दिस वन एट दिस स्टेज। At this stage, 8th Mountain Division realized that it would not be possible to evict the enemy from Tiger Hill completely as long as his supply lines along the western spur were intact. जब मैंने मैं चासिस को रिपीट कर रही हूँ कि अब जो 8th Mountain Division था उनको ये बात समझ में आई कि ये जो था टाइगर हिल वहाँ से एनिमीज को टोटली बाहर निकालना ये हमारे लिए क्या था, बहुत ही इम्पॉसिबल था, क्योंकि ये जो था ये कहाँ पर था, वेस्टर्न स्पर में था, मतलब वेस्टर्न एरिया में था। मोहिंदरपुरी एंड एम पी एस बाजवा देन इशूड ऑर्डर्स टू एड सिक टू अटैक एंड कैप्चर हेमलेट एंड हेलमेट एंड इंडिया गेट बोथ लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न स्पर सो दैट एनिमी रीइंफोर्समेंट टू टाइगर हिल टॉप कुड बी प्रिवेंटेड।
अब ऐसे हुआ जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि मोहनदेवपुरी एमपीएस बाजवा ने क्या क्या आठ जो सिख थे एट सिख को क्या क्या इश्यू किया इस टास्क के ऊपर कि जहाँ से एनिमीज को री एनफोर्समेंट मिल रहा है कहाँ पर टाइगर हिल पर, तो वो जो जगह है वो क्या करे उसको प्रिवेंट करे, उसको वहाँ मतलब एनिमीज को वहाँ से कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, री एनफोर्समेंट नहीं मिलना चाहिए। इसलिए एमपी जी बाजवा और जो थे हमारे मोहिंदरपुर, उन्होंने क्या क्या एक स्ट्रेटेजीज फिर से वहाँ पर अप्लाई की, उन्होंने आठ जो सिख थे एट सिख को वहाँ पर उन्होंने डिप्लॉयड किया, भेजा और उनसे कहा गया कि जहाँ से एनिमीज को री एनफोर्समेंट मिल रहा है टाइगर हिल पर वो सारी चीज़ें वहाँ से बंद हो जाए। द मूव वॉज ऑल्सो इंडियन टू कट ऑफ द एनिमीज सप्लाई रूट। और हमारे सामने फिर से एक टारगेट था कि एनिमीज को जहाँ से सप्लाई हो रहा है सारी चीज़ें उस रूट को क्या किया जाए, कट ऑफ मतलब बंद किया जाए। द वेस्टर्न स्पर ऑफ टाइगर हिल एक्सटेंडेड अप टू 1.5 किलोमीटर्स, देन अप्रोच द स्पर वेयर एट सिख वॉज डिप्लॉयड ले अलॉन्ग अ स्टीप रॉक फेस। अब जो वेस्टर्न स्पर था, अब स्पर का मतलब है दैट इज एक्सटेंडेड एरिया, जो फैला हुआ एरिया दैट इज कॉल्ड स्पर। अब जो वेस्टर्न स्पर था वहाँ पर जो टाइगर हिल का एरिया था वो नियर अबाउट 1.5 किलोमीटर था, और जहाँ से आठ सिख क्या थे डिप्लॉयड किए गए थे जो हमने यहाँ पर पहले से देखा है, और वहाँ पर क्या थे स्टीप रॉक थे, मतलब बड़े बड़े पत्थर थे, स्टीप रॉक्स थे, जहाँ पर अब जो आठ सिख्स थे उनके सामने सबसे बड़ा टारगेट था कि यहाँ से जिस रास्ते से एनिमीज को सारी चीज़ें सप्लाई हो रही उस रास्ते को क्या करे कट ऑफ करे, उस रास्ते को बंद करे। एन एडहॉक कॉलम ऑफ एट सिख्स लेड बाय मेजर रविंद्र सिंह एंड लेफ्टिनेंट आर के शेरावत कंप्राइजिंग 4 JCOs एंड 52 soldiers। अब जो था हमारे सामने जो एडहॉक था, एडहॉक का मतलब होता है कि एक जो हम पर्टिकुलर रीजन के लिए हम जो सारी चीज़ें करते हैं पर्पस के लिए दैट इज कॉल्ड एडहॉक। अब हमारे सामने एक पर्टिकुलर पर्पस था, वो क्या था कि आठ सिख्स थे उनको लीड कौन कर रहे थे मेजर रविंद्र सिंह और लेफ्टिनेंट आर के शेरावत। अब उन्होंने क्या किया 4 JCOs को और 52 soldiers को अपने साथ लिया एंड क्लाइम्ब द रॉक फेस अंडर पुअर विजिबिलिटी कंडीशंस एंड वॉज एबल टू कैप्चर इंडिया गेट आफ्टर अ टफ फाइट। और उन्होंने क्या किया कि इन सारे सोल्जर्स को अपने साथ लेकर वो जो स्टीप रॉक थे वो उनके ऊपर चढ़ गए, जो रॉक थे जो पत्थर थे बड़े बड़े दैट इज कॉल्ड द स्टीप रॉक, जो शायद से हमें माउंटेन की तरह कुछ पत्थर दिखते हैं बहुत ही बड़े दैट इज कॉल्ड रॉक, तो उनके ऊपर अब पोअर विजिबिलिटी थी, मतलब देख नहीं सकते थे बराबर से बिकॉज हमने पहले ही देखा कि बैड वेदर था, अब ब्लर्ड था, सारी चीज़ें क्लियरली दिख नहीं सकती थी। लेकिन इसके बावजूद भी जो हमारे इंडियन सोल्जर्स थे, हमारे इंडियन सोल्जर्स जिसको यहाँ पर इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए जिसको लीड कर रहे थे मेजर रविंद्र सिंह एंड लेफ्टिनेंट आर के शेरावत, तो उन्होंने क्या किया उन्होंने ए पुअर विजिबल कंडीशंस में जहाँ से सारी चीज़ें क्लियर नहीं दिखाई दे सकती थी, ऐसे बैड वेदर में ऐसे बैड कंडीशन में उन लोगों ने क्या किया उस इंडिया गेट की तरफ वो बढ़ गए और उन्होंने वहाँ पर टफ फाइट हुई उनकी किसके साथ एनिमीज के साथ, और वहाँ पर हम लोगों ने क्या किया फिर से वो जगह हमने हासिल कर ली। अब यहाँ पर जो बता रहे देखो एक चीज़ क्लैरिफाई करूँ कि टाइगर हिल अब तक हम लोगों ने कैप्चर नहीं किया था, वहाँ से हमने एनिमीज को एविक्ट नहीं किया था, तो टाइगर हिल के बाजू में जो छोटे जो दूसरे जगह थे जहाँ पर एनिमीज थे उनको वहाँ से हम लोग अभी एविक्ट कर रहे हैं, हम लोग वहाँ से अब एनिमीज को बाहर खदेड़ रहे हैं, एनिमीज को मार रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा हमारे सामने अभी भी टारगेट है जो टाइगर हिल का टॉप है वहाँ पर जो एनिमीज है उनको एविक्ट करना। इन दिस बैटल सूबेदार निर्मल सिंह लेड द असॉल्ट प्लेटून, ही वॉज एंगेज इन हैंड टू हैंड फाइटिंग टिल द एंड एंड वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर बीटिंग बैक अ काउंटर बैक काउंटर अटैक। अब हुआ ऐसे जो सूबेदार निर्मल सिंह थे उन्होंने जो असॉल्ट था जो प्लेटून था वहाँ पर उन्होंने क्या किया वहाँ पर उन्होंने जो है वहाँ पर उन्होंने असॉल्ट किया, वहाँ पर उन्होंने अटैक किया और उन्होंने क्या किया हैंड टू हैंड फाइटिंग की, मतलब हम जो फिजिकल फाइटिंग करते हैं हाथों से उन्होंने वो फाइटिंग की किसके साथ एनिमीज के साथ, और बाद में उन्होंने भी क्या किया जैसे एनिमीज ने अटैक किया तो उन्होंने भी क्या किया उनके ऊपर काउंटर अटैक किया। काउंटर अटैक का मतलब है कि अगर कोई आपके ऊपर अटैक करते तो उसका जवाब देते हो अटैक करके दैट इज कॉल्ड काउंटर अटैक, और यहाँ पर सूबेदार सिंह ने भी क्या किया काउंटर अटैक किया। Despite heavy casualties, 8-6 exploited its success up to helmet and captured this objective on 5th July. अब हैवी कैजुअलिटीज़ हुई, मतलब हमारे इंडियन सोल्जर्स भी वहाँ पर मारे गए, उधर एनिमीज भी मारे गए, लेकिन इसके बाद भी जो हमारे आठ सिख थे उन्होंने क्या किया उन्होंने सक्सेसफुली जो हेलमेट मतलब इट्स अ नेम ऑफ अ प्लेस, हेलमेट नाम का जो एरिया है वहाँ पर हम लोगों ने सक्सेसफुली हम लोगों ने
जीत हासिल की। और उसके बाद 5 जुलाई को हमने वो जो एरिया था वो इस तरह हमने क्या किया, रिकैप्चर किया। द एनिमी लॉन्च्ड टू काउंटर अटैक्स विद 40-50 पर्सनल, बट 86 फॉट गैलेंटली एंड वॉज एबल टू रिपल्स देम। अब एनिमीज ने देखो क्या किया कि दो बार उनने काउंटर अटैक किया, किसके साथ, विथ 40-50 पर्सनल्स। अब पर्सनल्स का मतलब होता है कि जब हम किसी मिलिट्री पर्पस के लिए जब हम लोगों को एम्प्लॉयड करते हैं, जब हम लोगों को भेजते हैं किसी मिलिट्री पर्पस के लिए, तो दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल। अब मिलिट्री पता है आपको, दैट इज़ रिगार्डिंग द सोल्जर्स। तो यहाँ पर एनिमीज ने क्या किया, दो बार अटैक किया, काउंटर अटैक किया, मतलब हम लोगों ने अटैक किया तो उन्होंने भी अटैक किया एनिमीज ने, दैट इज़ कॉल्ड काउंटर अटैक। उनके साथ कौन थे, 40-50 वहाँ पर उनके साथ लोग थे, लेकिन वो 40-50 लोग थे, लेकिन हमारे कितने से सिर्फ 8 सिख थे। उन 8 सिख ने क्या किया, बहुत ही ब्रेवली और बहुत ही करेजियसली उन्होंने ये जो 40-50 जो लोग थे उनके साथ उन्होंने फाइटिंग की, अटैक किया। और उसके बाद क्या हुआ कि एबल टू रिपल्स देम, हमने भी क्या किया, बहुत ही फोर्सफुली उनके उनके ऊपर अटैक किया। नायब सूबेदार कर्नल सिंह एंड राइफलमैन सतपाल सिंह हु वर पार्ट ऑफ अ प्लेटून डिप्लॉयड ऑन द रिवर्स स्लोप ऑफ हेलमेट शोड एक्सेप्शनल करेज। हम यहाँ पर देखो प्लेटून का मतलब क्या होता है कि एक सोल्जर्स का एक ग्रुप होता है, दैट इज कॉल्ड द कंपनी, ठीक है, और उनको लीड करते हैं लेफ्टिनेंट, दैट इज कॉल्ड प्लेटून। हम रिपीटिंग, प्लेटून का मतलब होता है कि जैसे ग्रुप के सोल्जर, जैसे सोल्जर्स के ग्रुप होते हैं जो अलग अलग इसको डिवाइड किए जाते हैं उन ग्रुप्स को, और उनको लीड करते हैं लेफ्टिनेंट, उनको कहा जाता है प्लेटून। अब जैसे हमने देखा कि 8 जो हमारे सिख थे उन्होंने 40-50 पर्सनल को, पर्सन इन द सेंस जो एनिमीज थे, जो एनिमीज ने जिन लोगों को डिप्लॉयड किया था स्पेशली मिलिट्री अटैक के लिए, उनको कहा जाता है पर्सनल। तो हमारे 8 सिख थे वो लोग 40-50 थे, लेकिन फिर भी हमारे सोल्जर्स ने जो 8 सिख थे उन्होंने बहुत ही ब्रेवली करेजियसली बहुत ही इसके साथ हिम्मत के साथ उन्होंने उनको जवाब दिया। अब जो थे नायब सूबेदार कर्नल सिंह और जो राइफल मैन सतपाल सिंह, वो भी क्या थे, इस प्लेटून के क्या थे, वो भी एक पार्ट थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डिप्लॉयड ऑन द रिवर्स स्लोप ऑफ हेलमेट, जो हेलमेट नाम की जगह थी उन्होंने वहाँ पर क्या किया, उन्होंने वहाँ पर जो रिवर्स स्लोप था वहाँ से उन्होंने क्या किया, अटैक करना स्टार्ट कर दिया। एंड शोड एक्सेप्शनल करेज, और उन्होंने क्या किया, वहाँ पर शायद से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था, इस तरीके से उन्होंने अपना करेज वहाँ पर दिखाया। In one of these counter attacks, Captain Colonel Sher Khan of the Pakistan Army was killed. अब हमने जो काउंटर अटैक किया था एनिमीज के ऊपर, उसमें जो पाकिस्तान के जो कैप्टन थे कर्नल शेर खान, उनकी डेथ हो गई थी। His body was subsequently handed over to the Pakistani authorities. उसके बाद हमें पता है कि whatever happened in between the two countries, whatever the war just going on between the two countries, अगर हमारे इंडिया की बात करते, yes, we have respect about the other person, we have respect about the countries and their people also. अब होता है देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे किसी के साथ लड़ाई होती है तो वो लोग क्या करते हैं, जो बॉडीज होती है उसको वहीं पर जला देते हैं, बर्न करते हैं, फिर फेंक देते हैं। लेकिन हमारे इंडियन सोल्जर्स ने क्या किया, बहुत ही रिस्पेक्टफुली, बहुत ही रिस्पेक्ट और ऑनर के साथ जो कैप्टन थे कर्नल शेर खान, उनकी बॉडी पाकिस्तान को हैंड ओवर कर दी। अदर बॉडीज ऑफ द पाकिस्तानी सोल्जर्स फाउंड स्कैटर्ड अराउंड द बैटल ग्राउंड वर कलेक्टेड एंड बरीड अप्रोप्रिएटली। अब जो हमने देखा कि यहाँ पर जो पाकिस्तानी जो लोग थे, जो एनिमीज थे, हम जिसके एनिमीज कह रहे, जो पाकिस्तानी सोल्जर्स थे, उनकी भी कैजुअलिटीज हुई थी, उनकी भी डेथ हुई थी, और उनकी बॉडी यहाँ स्कैटर का मतलब है यहाँ वहाँ फैली हुई थी जो ग्राउंड था जहाँ पर लड़ाई लड़ी थी वहाँ पर। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हमारे इंडियन सोल्जर्स ने सारी बॉडी को कलेक्ट किया और उनको बहुत ही रिस्पेक्ट, उनको बरीड किया, उनको दफनाया गया। In New Delhi, I had remained anxious all through the night of 3 July. The next morning, Krishan Pal, GOC 15 Corps, rang up at 6 hours to inform me that 18 Grenadiers had captured Tiger Hill Top and also that heavy fighting was going on. अब जो जिन्होंने ये लेसन लिया कर्नल वेद प्रकाश, वो कह रहे हैं कि जब मैं न्यू दिल्ली में था तो मैं बहुत ही एंग्शियस था, वो जस्ट वरीड, मैं बहुत ही मतलब चिंता कर रहा था। और वो क्या था, 3 जुलाई की पूरी रात, उसके बाद बोले कि जो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ कि कृष्ण पाल जो GOC 15 कॉप्स के लिए थे, उन्हें बराबर 6 बजे उनको क्या किया, फ़ोन किया और उनको इन्फॉर्म किया कि जो हमारे 18 ग्रेनेडियर्स है उन्होंने क्या किया, टाइगर हिल का टॉप उन्होंने कैप्चर किया। And also that heavy fighting was going on. और तब भी जब उन्होंने कॉल किया था, किसने, कृष्ण पाल ने, तब भी उन्होंने ये बात कही कि हमारे जो 18 ग्रेनेडियर्स उन्होंने क्या किया, टाइगर हिल का टॉप
जो था वो हमने रिकैप्चर किया और अभी भी क्या है, लड़ाई शुरू है। आफ्टर कंसल्टिंग हिम एंड निर्मल चंदर विच वी डिसाइडेड टू अवेट कन्फर्मेशन फ्रॉम द GOC एच माउंटेन डिवीजन एट 7:30 hours मोहिंदर पुरी कन्फर्म टू मी दैट द एनिमी वुड नॉट बी एबल टू डिसलॉज 18 ग्रेनेडियर्स फ्रॉम टाइगर हिल टॉप। अब क्या हुआ ऐसे देखो कि आफ्टर कंसल्टिंग हिम एंड निर्मल चंदर विच, अब यहाँ पर जो हमारे राइटर है वो क्या करके, मैंने किसको कंसल्ट किया, मैंने किससे बात की, मैंने कृष्ण पाल से बात की, उसके बाद मैंने निर्मल चंदर विच से बात की, उसके बाद हमने डिसाइड किया टू अवेट कन्फर्मेशन फ्रॉम द GOC's एच माउंटेन डिवीजन, कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वेट करेंगे जब तक हमें GOC एच माउंटेन डिवीजन की तरफ से जब भी हमें कोई कन्फर्मेशन नहीं आता है किसी चीज़ का कि हाँ हमने टाइगर हिल को पूरी तरीके से कैप्चर किया, तब तक हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे, तब तक हम लोग डिक्लेयर नहीं करेंगे कि हमने टाइगर हिल को कैप्चर किया है। At 7:30 hours, Mohinder Puri confirmed to me that the enemy would not be able to dislodge 18 grenadiers from Tiger Hill top. अब उसके बाद जो था 7:30 बजे क्या हुआ कि मोहिंदर पुरी ने एक बात कंफर्म की कि वो कह रहे थे कि मोहिंदर पुरी ने किसको बताया, मी इन द सेंस राइटर को बताया कि जो एनिमीज है एनिमीज के लिए पॉसिबल नहीं है टू लॉज 18 ग्रेनेडियर्स, मतलब जो हमारे 18 ग्रेनेडियर्स है जो टाइगर हिल पर थे उनको अटैक करना किसके लिए पॉसिबल नहीं था, अब एनिमीज को पॉसिबल नहीं था, बिकॉज हमने पहले ही देखा था कि जितनी भी चीज़ें उनको वहाँ से सप्लाई हो रही थी हमने उस रास्ते को बंद कर दिया था, कट ऑफ कर लिया था। I duly informed Brijesh Mishra and the Prime Minister who was scheduled to address a public meeting in Haryana at 10 hours. The Defence Minister was on his way to Amritsar. When he landed at the airport, I gave him this exciting news. अब हुआ ऐसे कि जिस तरीके से हमारे इंडियन सोल्जर्स अटैक कर रहे थे उस हिसाब से अब एनिमीज हमारे सामने शायद से इतने स्ट्रांग नहीं थे, इसलिए क्या हुआ था कि इसलिए जो था मोहिंदर पुरी ने 7:30 बजे राइटर को कॉल किया, मतलब कर्नल को कॉल किया और उन्होंने बताया कि जो हमारे 18 ग्रेनेडियर्स हैं उनका सामना आप कौन नहीं कर पा रहे, एनिमीज नहीं कर पा रहे, एंड दैट वॉज द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर आर इंडियन आर्मी फॉर आवर इंडियन पीपल ऑल्सो। और इसके बाद जो राइटर है उन्होंने किसको इन्फॉर्म किया, जो ब्रजेश मिश्रा है, अब ब्रजेश मिश्रा कौन है, ये वो है जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके यहाँ पर दिया है, वो प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के सेक्रेटरी थे और नेशनल सेक्रेटरी एडवाइजर थे। अब क्या हुआ कि उन्होंने ब्रजेश मिश्रा को प्राइम मिनिस्टर को बताया, अब प्राइम मिनिस्टर तब कहाँ पर थे, देखो यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर जब ये सारी चीज़ हुई तब एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर कहाँ पर गए थे, वो हरियाणा में 10 बजे मीटिंग थी वहाँ पर लोगों को एड्रेस करने के लिए गए थे, वो पब्लिक मीटिंग थी। द डिफेंस मिनिस्टर वॉज ऑन हिज वे टू अमृतसर व्हेन ही लैंडेड एट द एयरपोर्ट, आई गेव हिम दिस एक्साइटिंग न्यूज़। और क्या हुआ कि जो डिफेंस मिनिस्टर थे जो अमृतसर के रास्ते पर, जो अमृतसर के ऑन द वे थे, अमृतसर से आ रहे थे और जैसे ही वो एयरपोर्ट पर उतरे, एयरपोर्ट पर आए तब क्या किया, तब राइटर करके मैंने उनको ये एक्साइटिंग न्यूज़ देखी, हाँ अब हमने शायद से पूरी तरीके से क्या किया है, हमने पूरी तरीके से टाइगर हिल को रिकैप्चर किया है। आपको एक चीज़ बता दूँ मैं कि ये जो है टाइगर हिल, ये जो हमारा जो वॉर था एनिमीज के साथ, दैट इज डायरेक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, तो हमारा नियर अबाउट 2 महीने चला था। और कारगिल वॉर में अगर हम देखते थे वहाँ पर बहुत सारी कैजुअलिटीज़ हुई थी, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी, हमारे इंडियन सोल्जर्स भी वहाँ पर उनकी भी कैजुअलिटीज़ हुई थी, शायद से कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्ट है उन सारे लोगों के, उन इंडियन सोल्जर्स के लिए जिन्होंने अपनी जान देकर हमें बचाया था। और कहीं ना कहीं इट इज़ अ लेसन दैट वी टॉक टू द एनिमीज कि यस इफ़ यू अटैक अस वी विल अटैक यू बैक करेजियसली एंड ऑफकोर्स वी हैव द करेज टू फेस यू बैक। So hope you understood this one. In our next video, we will see rest of the paragraphs.